Assalamu alaikum guys, it's Humble Ahmed here again. Welcome to my YouTube channel Humble Solar Wala. Guys, ये हम लोगों ने सिस्टम इंस्टॉल किया है सोलर का, सोलर एनर्जी प्रोजेक्शन इंस्टॉल किया है, कमीशन की है इसकी. 15 किलोवाट के इसमें हमने इन्वर्टर यूज़ किए हैं और 12 किलोवाट के इसमें हमने सोलर पैनल यूज़ किए हैं और 1500 एम्पीयर के हमने बैटरी बैंक यूज़ किए हैं. शोटो के 3000 एम्पीयर के 12 सेल यूज़ किए हमने और सेलों को हमने 4 वाट भी यूज़ किया है. सेलों को आपको दिखाते हैं हम. और गाइस, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और नोटिफिकेशन के आइकन को आप क्लिक कर दें, बेल आइकन को, ताकि हमारे जो न्यू वीडियोस आती रहें वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे. थैंक्स गाइस. वेल गाइस, इस सेटअप में हमने आप देख सकते हैं 3 इन्वर्टर्स लगे हैं, 5 किलोवाट के. एक इन्वर्टर की जो पीवी इनपुट है वो 4.5 किलोवाट है, वो भी आपको दिखाते हैं. 4.5 किलोवाट की पीवी इनपुट है, मैक्सिमम वोल्टेज है इसके डीसी के 450. और ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस लगाए हैं 3, हर इन्वर्टर का सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है. और यहाँ पर जो है कंबाइनर बॉक्स सबसे पहले हमारे पास जो बैटरी बैंक से कनेक्ट हो रहा है जिसमें बस बार लगी हुई, वो भी आपको दिखा देते हैं अभी. और दूसरा हमारा जो बॉक्स है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वो बैटरी के लिए, बैटरी के ब्रेकर्स हमने उसमें लगाए डीसी के. और तीसरे बॉक्स में हमने फोटोवोल्टिक सोलर पीवी के हमने ब्रेकर्स लगाए इस पर हमने. और चौथा हमारा एसी आउटपुट लोड की डीबी है जिसमें हमने ब्रेकर्स लगाए आउटपुट के लिए. वेल गाइज, इस सिस्टम में हमने यूज किए सोलर पैनल 200 वाट के, 60 पैनल यूज किए, 60 नंबर ऑफ पैनल हमने यूज किए 200 वाट के. और एक पैनल के वीओसी हैं तकरीबन 29 और वीएनपी हैं 24. हमने सीरीज किए 15 पैनल की सीरीज किए हैं और 4 स्ट्रिंग्स हम लेकर आए हैं. एक इन्वर्टर को हमने ज़्यादा दिए, 2 स्ट्रिंग्स दिए और बाकी इन्वर्टर्स को हमने एक एक स्ट्रिंग दिए. इस पे लोड हम चलाएंगे जो हमने रिकमेंड किया है क्लाइंट को, वो किया है स्ट्रीट लाइट्स का. उनका लोड था इस क्लाइंट का स्ट्रीट लाइट, हमने रिकमेंड किए कि आप 36 नंबर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स जलाएं इसके ऊपर, सॉरी स्ट्रीट पोल जलाएं. हर पोल के ऊपर आप 2-2 लाइट्स दे दें 50-50 वॉट्स की, या फिर आप सिर्फ 36 लाइट्स लगा दें 100-100 वॉट्स की. और अगर वो 2 लाइट्स लगाते हैं 50 वॉट्स की तो तकरीबन 72 नंबर्स ऑफ लाइट्स इस पर, एलईडी लाइट्स, स्ट्रीट पोल लाइट्स इस पर लगा सकते हैं, लगाई जा सकती हैं, जो पूरी रात का बैकअप इंशाल्लाह इनको दे देंगी, लेकिन 36. और अगर ज़्यादा लोड चलाने की कोशिश की जाएगी तो ऐसी बात है बैटरी में प्रॉब्लम करेगा बाद में, अभी तो प्रॉब्लम नहीं करेगा इस कंडीशन में, लेकिन लोड ज़्यादा चलाने पर श्योर हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है. इसलिए जब भी सिस्टम जॉइन करें श्योर आप लोड को मद्देनजर रखते हुए सिस्टम को जॉइन करें. और वही हमने किया है, 3.6 किलोवाट पर आवर पे हमने इसको रखने की कोशिश की है. क्लाइंट को हमने रिकमेंड किया है कि 3.6 किलोवाट का लोड चलाएं, 10 आवर तक आपको चलाए, बैकअप दे देगा रात में. और ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है हमारा पहला, ये आपको करीब से दिखा देते हैं. अच्छा गाइस, ये हमारे एक नंबर इन्वर्टर की डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है. ये ऊपर इन्वर्टर लगा हुआ है हमारा, पहला इन्वर्टर है हमने. ये इस इन्वर्टर की डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इसमें चेंज ओवर लगा हुआ है. फर्स्ट पे हमने सोलर दिया है, सेकंड पे हमने वापडा ग्रिड दिए. ऊपर जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, डिजिटल वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये हमने लगाया है ग्रीन कलर का सोलर पर, ब्लू कलर का हमने लगाया है वापडा ग्रिड पर. और ये एम्पीयर मीटर है जो इस वक्त लाइव लोड चल रहा है. इसमें 2 ब्रेकर्स लगाए हुए हैं, हुंडई के ब्रेकर्स लगाए हमने एसी के, सोलर इनपुट और सोलर आउटपुट और वापस इनपुट पर. सोलर आउटपुट पे हमने लगाए 40 एम्पीयर्स के ब्रेकर्स, 40 एम्पीयर का ब्रेकर लगाया हमने एसी. और वापडा इनपुट पे हमने लगाया 63 एम्पीयर का एसी ब्रेकर. यहाँ पे ग्रिड अवेलेबल है नहीं अभी तक, लेकिन हमने इस पे कनेक्शन दे दिए कि जैसे ग्रिड्स में आएगी और शामिल करेंगे सिस्टम के अंदर तो वो काबिल इस्तेमाल रहेगी फौरन. गाइस, ये ब्रेकर सब क्लोजअप है जो हमने ब्रेकर इसमें यूज़ किए हैं, हुंडई के 60 एम्पीयर 63 एम्पीयर वापडा इनपुट पे और 40 एम्पीयर हुंडई सोलर आउटपुट पे. गाइस, ये सीटी लगाई है हमने लोड के लिए जो लोड को मेयर करेगी, और लोड को मेयर करने के बाद इसको सिग्नल करेगी एम्पीयर मीटर को. ये हमारा एम्पीयर मीटर है, इसके कनेक्शन ओबियसली आपको मालूम होगा, ये सीटी के कनेक्शन है, ये ग्रिड इनपुट, ये एसी इनपुट के कनेक्शन है. इसमें हमने जो सीटी इस्तेमाल की है 60 60 बाय 5
60 एम्पीयर तक का लोड ये सेंस करके बता सकती है। ऊपर हमारे ये वोल्ट मीटर लगे हुए हैं, डिजिटल वोल्ट मीटर, और ये हमारा चेंज ओवर हुआ है, चेंज ओवर लगा हुआ है। अच्छा गाइस, इसमें हमने कोई भी कनेक्शन विदाउट लक्स हमने इस्तेमाल नहीं किया, हमने लगाया नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो इवन हमारे एम्पीयर मीटर पे भी जो लगे हुए हैं कनेक्शन, वो भी यू लक्स के साथ लगे हुए हैं, और जो एम्पीयर मीटर में लगे हुए हैं कनेक्शन, वो भी यू लक्स और ओ लक्स के साथ लगे हुए हैं। इवन दो हमने जो इसमें ब्रेकर्स में भी कनेक्शन यूज़ किए हैं, जो ब्रेकर में इनपुट दिए हैं, वो हमने आई लक्स लगाए हैं। अच्छा गाइज, ये हमने आई लक्स जो लगाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सेपरेटली मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये आई लक्स है। लक्स लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो लूजिंग होती है वो लूजिंग रहती नहीं है। फिर ये हमने इवन तो हमने जो इन्वर्टर से जो कनेक्शन लगाए हैं वो हमने आई लक्स के साथ लगाए, ये आप देख सकते हैं, इसकी इनपुट पे भी और इसकी आउटपुट पे भी, ब्रेकर की इनपुट और ब्रेकर के आउटपुट पे हमने आई लक्स यूज़ किए हैं। ये देखिए, ब्रेकर के इनपुट, ब्रेकर के आउटपुट दोनों पे आई लक्स लगे हुए हैं, और आपको भी सोलर के इन्वर्टर के भी आपको कनेक्शन दिखा देते हैं। गाइस, ये हमारे इसके इन्वर्टर के कनेक्शन हैं, इस पर भी हमने आई लक्स यूज़ किए हैं, और ओ लक्स यूज़ किए हमने बैटरी के टर्मिनल्स पर। ये बैक साइड पर बैटरी के टर्मिनल्स हैं, ये पी वी की इनपुट है, ये ग्रिड इनपुट है, बैक साइड पे सोलर आउटपुट है। गाइस, ये हमारा इन्वर्टर की शीट है, जिसमें आप देख सकते हैं 5 किलोवाट इसकी मैक्सिमम रेटेड आउटपुट है, 4.5 किलोवाट रेटेड पावर सोलर से है, और 48 वोल्ट बैटरी बैंक। टेस्ला का इन्वर्टर है, एसी इसमें कनेक्ट नहीं है, वापरा बैटरी के वोल्टेज 48.3, वोल्ट्स पीवी से आ रहा है हमारे पास। इस वक्त तकरीबन मगरिब का अज़ान हो रही है, जिसकी वजह से आउटपुट हमारे पास रिजल्ट है नहीं। गाइस, ये हमारे पास सेल लगे हुए हैं शोटो 3000 एम्पीयर, GFM 3000 2 वोल्ट, और ये कैटेगरी C10 है, सोलर कैल्शियम बैटरी है ये, और इसके मैक्सिमम चार्जिंग वोल्टेज इसमें 600 एम्पीयर्स मैक्सिमम इसमें मेंशनड है। अच्छा, ये जो बैटरी है, सेल है, ये सेल 4 वोल्ट पे भी ऑपरेट हो जाता है सेल के अंदर ही सीरीज करने से, वो भी आपको दिखा देते हैं अभी। गाइस, ये सेल को इस तरह से सीरीज करने पर ये हमें 2 वोल्ट के बजाय 4 वोल्ट दे देता है, और इसी तरह हमने पूरे बैंक को कनेक्ट किया हुआ है। ये पूरा बैंक हमारा 12 सेलों पे मुश्तमिल है। गाइस, ये इसके एंड टर्मिनल पे हमने कनेक्शन दिए हुए, इस पे हमने वायर यूज़ की है 35 mm की, और 35 mm भी हमने 2 कोर यूज़ किए, यानी 2 कोर्स हमने पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल पे दिए हुए, और 2 कोर्स ही हमने नेगेटिव टर्मिनल पे दिए हुए। इसके ऊपर जो है हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया, कंबाइनर बॉक्स जिसे हमने नाम दिए, कंबाइनर बॉक्स में हमने बस बार लगाई है। गाइस, ये हमारा कंबाइनर बॉक्स है, कंबाइनर बॉक्स में हमने 2 बस बार लगाई हैं।
अच्छा, इसमें जो बसबार हमने यूज़ की है वो 250 की है, 250 मोटी बसबार है। इसमें नीचे से ये बैटरी के सेलों का हमारा बैटरी बैंक की कनेक्शन आ रहा है 35 mm 4 कोर्स में वायर्स आ रही है सॉरी। और इस पर हमने जो बैटरी के कनेक्शन लगाए हैं वो हमने दिए हैं 25 mm सिंगल कोर से, टू श्योर सिंगल कोर नेगेटिव चार्ज और सिंगल कोर पॉजिटिव चार्ज को हमने दिए हैं। अच्छा, जो इसमें हमने बोर्ड्स यूज़ किए हैं, हमने यूज़ किए हैं ब्रास के, अच्छा अगर कंबाइनर बॉक्स के साथ हमारे पास हमने जो इंस्टॉल किया है बैटरी बैंक का, ब्रेकर्स का हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया। इस बॉक्स के अंदर 3 ब्रेकर्स हैं ATM पेयर्स के, 80 एम्पेयर के, इसमें हम 3 ब्रेकर्स लगाए। इसमें हमने मार्किंग भी की भी 1, 2, 3, पहला ब्रेकर 1 नंबर, दूसरा ब्रेकर 2 नंबर, तीसरा ब्रेकर 3 नंबर। और गाइस उसके बाद हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वो पीवी का है। अच्छा, जो पीवी का बैटरी बैंक, इस पे मैक्सिमम वोल्टेज जा सकते थे वो 450 जा सकते थे, इसलिए हमने इस पे मेंशन भी 450 किया हुआ, लेकिन हमने इसको जो मैक्सिमम इनपुट दे रहे हैं वो 300 प्लस VDC हम नहीं दे रहे हैं सोलर पैनल से। इस पे हमने ब्रेकर्स यूज किए श्नाइडर के। जी गाइस, ये हमने ब्रेकर्स यूज किए हैं, इसमें 1000 वोल्ट DC 63 एम्पीयर के इसमें ब्रेकर यूज किए हमने। अच्छा, इन ब्रेकर्स पे भी हमने आई लग से इस्तेमाल किए हैं ताकि कम से कम लूजिंग और शॉर्ट सर्किट की गुंजाइश कम से कम रहे। उसके साथ हमारे पास आउटपुट लोड की डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। इस वक्त लोड चल रहा है हमारे पास 5.9 एम्पीयर ओवरऑल लोड चल रहा है कंबाइन, क्योंकि हमने जो सीटी लगाई है सीटी पे हमने तीनों तारें उसमें से गुजारी हुई हैं। ये कंबाइंड लोड की एम्पियर डिजिटल एम्पियर मीटर है और नीचे कंबाइंड लोड की सीटी है, और ये 1, 2, 3 इन्वर्टर्स की आउटपुट के ब्रेकर्स हैं जो हमने 32 एम्पियर के ईच ब्रेकर्स पे इंस्टॉल किए हैं। अच्छा गाइस, इसमें हमने पीवी पर हमने जो वायर यूज़ की है वो यूज़ की है हमने 3.5 mm 2 कोर में, कॉपर वाइट कॉपर भी यूज़ किया हमने इसमें और गोल्डन कॉपर भी इस्तेमाल किया हमने इसमें। गोल्डन कॉपर हमने एसी लोड के ऊपर इस्तेमाल किए 4 mm की वायर के अंदर, और वाइट कॉपर हमने 3.5 mm इंस्टॉल किए पीवी पर। गाइस, ये सोलर पैनल लगे हुए हैं, एज आई सेड के हमने इस पर इंस्टॉल किए हैं 60 नंबर ऑफ पैनल इंस्टॉल किए हैं 200 वाट के, और 15 के हमने सीरीज इंस्टॉल किए, और एक इन्वर्टर पे हमने 2 स्ट्रिंग्स लगाई कनेक्ट किए, और दूसरे इन्वर्टर पर हमने जो बाकी 2 इन्वर्टर थे उस पर हमने एक एक स्ट्रिंग इंस्टॉल किए। अच्छा गाइस, ये वेल टिल्ट ऑलमोस्ट का 22 डिग्री है और परफॉर्मेंस ये बेहतरीन दे रहा है। स्टॉक लॉट पैनल है लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर दे रहे हैं। हम लोग स्टॉक लॉट में काम करते नहीं हैं, ये सोलर पैनल हमें क्लाइंट ने प्रोवाइड किए तो हमने ये कनेक्शन इंस्टॉल किए इसके ऊपर। गाइज, ये सोलर पैनल की हमारी इनसाइड है, इस पर हमने कोई भी कनेक्शन जो है कट करके हमने उसको कनेक्ट नहीं किया, कोई वायर कट नहीं की, हमने MC4 के कनेक्टर इस्तेमाल किए इसमें। ये इनके कनेक्शंस हैं। अरे असर की अजान हुई थी, मुझे लगा मगरिब की अजान हुई है। असर की हुई थी, असर की हुई थी। ठीक ठीक ठीक, काम ऐसे चल रहे हैं और जो लोअर लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं ना वो ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं। गाइस, ये सिस्टम अभी तक जो है अपनी बेहतरीन एफिशिएंसी दे रहा है, लेकिन दिन में लोड इस पर ज़्यादा चलने की वजह से बैटरी बैंक हमारा आज तो चार्ज नहीं हो पाया, लेकिन इंशाल्लाह हमारा बैटरी बैंक चार्ज होगा जब दिन का लोड हमारा स्टेबल रहेगा और अंडर लोड ये सिस्टम चलेगा, अंडर लोड चलेगा तो सिस्टम अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा। और आप देख सकते हैं पैनल 22 सेकेंड टिल्ट पर लगे हुए हैं डिग्री पर। और गाइज, जिन लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें ताकि जो भी हमारे न्यू वीडियोस हों आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सलाम अलैकुम।